दोस्तों, हमारे जितने भी BTS मेंबर्स हैं वो सभी एक जेंटलमैन हैं। इसके साथ ही वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट और डाउन टू अर्थ पर्सन है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर बात किसी गर्ल्स की आती है तो वो सभी बहुत ही ज्यादा शाई हो जाते हैं और उनसे दूर ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा ही किसी न किसी गर्ल्स के साथ शिप कर दिया जाता है। इस वजह से भी वो उनसे दूर ही रहते हैं और हमने हमेशा ही देखा है कि वो गर्ल्स ग्रुप के सामने कितने ज्यादा शाई और अनकम्फर्टेबल दिखाई देते हैं। और दोस्तों, एक बार हमारे BTS मेंबर वी के साथ कुछ ऐसा हो गया था जब वी को पूरी फ्लाइट में BTS के साथ नहीं बल्कि गर्ल्स ग्रुप के साथ बैठकर जाना पड़ा था। खास बात ये थी दोस्तों, वी के लिए ये फ्लाइट की टूर और भी ज्यादा मुश्किल इसलिए हो गई थी क्योंकि वो जिस गर्ल ग्रुप के साथ बैठे थे वो उनकी फेवरेट गर्ल ग्रुप थी और वो ग्रुप थी गर्ल्स जनरेशन की। इसके साथ ही दोस्तों, वी ने बताया भी है कि उन्होंने जो अपना पहला एल्बम खरीदा था वो गर्ल्स जनरेशन की थी। और दोस्तों, इस बात को वी ने तब बताया था जब वो गर्ल्स जनरेशन सनी के टॉक शो में गए थे और तब BTS की सॉन्ग बॉय इन लव आई हुई थी। दोस्तों, सनी ने बताया कि जब उन्होंने इस सॉन्ग को सुना तो वी उनको बहुत ही ज्यादा पहचाने हुए लगे थे और तब उन्हें याद आया कि वो उनसे पहले भी मिल चुकी है और कुछ वक्त पहले फ्लाइट में उनके ग्रुप के साथ एक लड़का बैठा हुआ था और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि BTS मेंबर वी थे। और दोस्तों, उस फ्लाइट में सारे BTS मेंबर भी थे पर वी एक लौते मेंबर थे जिनकी सीट गर्ल्स जनरेशन के पास मिली थी। इसके साथ ही दोस्तों, सनी ने बताया कि जब जब वो वी को देख रही थी उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वी फ्लाइट में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल दिख रहे थे। इसके साथ ही दोस्तों, BTS उस वक्त एक रूकी ग्रुप थे और वी की जो सीट थी वो गर्ल्स जनरेशन लीडर टेयोंग के जस्ट बगल में मिली थी। इसके साथ ही उस वक्त गर्ल्स जनरेशन साउथ कोरिया की सबसे फेमस ग्रुप्स में से एक थी और सनी वी के जस्ट पीछे बैठी हुई थी। इसके साथ ही दोस्तों, सनी ने बताया कि जब उन्होंने वी को अपनी सीट के इतने पास देखा तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि ये कौन है। इसके साथ ही दोस्तों, सनी ने बताया कि वी उस वक्त बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे और वी ने भी कहा कि वो सच में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि वहाँ उनके पास एक भी BTS मेंबर नहीं था और वो इतनी सारी गर्ल्स के साथ अकेले बैठे हुए थे। इसके साथ ही दोस्तों, RM ने बताया कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुई, वी ने BTS को एक मैसेज करा और लिखा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अब नहीं बचेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, वी ने बताया कि उनकी पूरी फ्लाइट उस दिन जाग कर बीती थी। वो बस कुछ वक्त के लिए सोए थे और फिर वो उठते हैं, उन्होंने देखा कि वो बहुत ही बुरी तरीके से सो रहे थे। ये देखकर वो और भी ज्यादा टेंशन में आ गए कि कहीं किसी ने उन्हें देख तो नहीं लिया और वी की इस बात को सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हंसने लगे थे। इसके साथ ही दोस्तों, सनी ने बताया कि वी इतने ज्यादा अनकंफर्टेबल थे कि वो हिल भी नहीं रहे थे, यहाँ तक कि वो अपने पैरों को भी नहीं मोड़ रहे थे। इसके बाद सनी ने बताया कि जब उन्होंने वी को देखा तो वो शॉक्ड हो गए कि आखिर ये बंदा हिल क्यों नहीं रहा है। इसके बाद दोस्तों, जब एक फ्लाइट अटेंडेंट ने वी को न्यूज़पेपर ऑफर करा तो वी ने अपने गले को साफ करते हुए उनसे जोर से कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर वो वी को स्नैक्स ऑफर करती है और वी फिर से उन्हें कहते हैं कि उन्हें नहीं चाहिए। इसके बाद सनी कहती है कि ये सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड थी, वो वी के लिए बहुत ही ज्यादा सॉरी फील कर रही थी। दोस्तों, उस वक्त वी बहुत ही ज्यादा छोटे थे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, उस दिन टॉक शो में सनी ने उस इंसिडेंट के लिए सारे ग्रुप मेंबर की तरफ से वी से सॉरी कहा कि उनकी वजह से वी की उस दिन इतनी बुरी हालत हो गई थी। इसके साथ ही सनी कहती है कि कैसे उन्होंने वी के सीट को हमारे सीट के बगल में दे दिया। इसके साथ ही दोस्तों, सनी ने वी को समझाया और कहा कि इन फ्यूचर अगर फिर से ऐसा होता है तो आप बिल्कुल भी डरना मत, एज अ फ्रेंड हमसे बात करना, न्यूज़पेपर भी पढ़ना, खाना भी खाना और अच्छे से सोना भी, हमसे डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही अनकंफर्टेबल फील करने की जरूरत है। इसके साथ ही दोस्तों, उस दिन सनी के टॉक शो में सनी से बात करते हुए भी काफी ज्यादा शाई दिख रहे थे, पर बाद में दोस्तों वी काफी ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि सभी ने उन्हें समझा और सभी को पता चल गया कि वी उस दिन कितने ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, तो उस दिन के इंसिडेंट के लिए वी को अब बुरा नहीं लग रहा था। दोस्तों, आज BTS इतने ज्यादा फेमस आइडल बन चुके हैं, इसके साथ ही काफी सारी कोलैबोरेशन भी कर चुके हैं, पर आज भी जब वो किसी भी गर्ल्स ग्रुप से मिलते हैं तो काफी ज्यादा शाई दिखाई देते हैं और बहुत ही रिस्पेक्टली और पोलाइटली उन्हें ग्रीट करते हैं। पर दोस्तों, उस दिन सारे BTS मेंबर से दूर इतनी सारी गर्ल्स के बीच में बैठकर वी की हालत पूरी खराब हो गई थी, उन्होंने पूरी फ्लाइट को जाकर बिता दिया था। तो दोस्तों, आपको वी की ये बात पता थी या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। बाकी ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।